हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की रेसिपी होने वाली है बेहद आसान और टेस्टी, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं पोहे का बहुत ही ज्यादा लाइट वेट, हल्का फुल्का और टेस्टी नाश्ता। दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये बहुत ही कम तेल में तैयार हो जाता है, तो 2 चम्मच तेल में आप इसे तैयार कर सकते हैं और खाने में हेल्दी होने के साथ साथ चटपटा और क्रिस्पी भी है। तो आप इसे बच्चों के टिफिन में, पति के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है पोहा, कुछ लोग इसे चूरा ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेंशन करके मुझे। और ये मैंने लिया है 1 कटोरी, आप अपने कप के हिसाब से भी नाप सकते हैं। वेट में बताऊं तो ये ज्यादा ज्यादा 15 ग्राम होगा, इससे ज्यादा नहीं है। और पोहा बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, तो ये खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर हम रखेंगे छन्ना। तो फ्रेंड, इस तरह से हम छन्ना रख देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे पोहा। तो फ्रेंड, इसमें बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है, तो इसीलिए हमें इसे क्लीन करना जरूरी है। तो चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पोहे को अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। तो भिगोने से पहले वॉश करना जरूरी है, तो 1 से 2 पानी आप वॉश कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। तो इस तरह से मैंने वॉश कर लिया है। अब हम कटोरे के नीचे जो पानी है उसको बदल देंगे, फिर इसको हम भिगोने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, अपने पोहे को जो हमने वॉश करके रखा है इसके अंदर डालेंगे, और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि ये फूल जाए अच्छे से। तो हमें कितना पानी डालना है अभी हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना पानी डालना है कि पोहा अच्छे से भीग जाए, ऊपर तक पानी ना हो, क्योंकि पोहे में आप जितना पानी डालेंगे उतना ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये मैंने कितना डाला है, 1 बड़ा कप था उसका मैंने आधा लिया है, अगर आपका छोटा कप है तो आप 1 कप डाल सकते हैं। और अब हम इसे कवर करके 5 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि पोहा हमारा अच्छे से फूल जाए। तो जब तक ये फूल रहा है, हम चलिए आगे का काम कर लेते हैं, चलते गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आगे गैस की तरफ और एक पैन रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल, ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा, हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरे को तड़कने देंगे। और अब हम डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। और प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। अगर आपका बड़ा प्याज है तो आप लोग आधा डालिएगा। तो धीमी धीमी आंच से हम प्याज का बिल्कुल अच्छे से रंग चेंज कर लेंगे। जब हमारी प्याज हल्की सी पिंक होने लगेगी, तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन करेंगे, बहुत ज्यादा बर्न नहीं करना है। तो 1 से 2 मिनट लगेगा प्याज को अच्छे से कुक होने में। तो फ्रेंड देखिए, प्याज हमारी हल्की हल्की सी गोल्डन हो गई, बहुत ज्यादा बर्न नहीं करना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 शिमला मिर्च, जिसको हमने मोटा मोटा कट करके रखा है। अगर आपका बड़ा हो तो आप लोग आधा डाल लीजिएगा। ये मीडियम साइज का शिमला मिर्च है, और इसको हम डालकर 1 से 2 सेकंड ही पकाएंगे, बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिमला मिर्च को गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी, जो हमने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। वेट में ये 10 ग्राम होगा, नाप में बताऊं तो एक छोटी कटोरी होगा। और पत्ता गोभी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने इसमें ना नमक डाला है ना मसाले डाले हैं, तो पहले हमें इसको भुनाई करनी है। तो फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच गाजर, जो हमने ग्रेट करके रखी है। आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं, गाजर आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो आप सब्जी अपने मन मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपको ना पसंद हो आप उसे हटा सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने बड़ी वाली गाजर डाली है, अगर आप छोटे डाल रहे हैं तो आपको 4 चम्मच लग जाएगा। तो सब्जियों को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से 1 मिनट भूनेंगे, और इसका हम कच्चापन दूर करेंगे। सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, और अभी तक हमने नमक नहीं डाला है। अगर हम नमक डालते हैं तो फटाफट सब्जियां गलने लगती है, तो इसीलिए हमें पहले से अच्छा पका लेना, यानी 50% पकाने के बाद तब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च जो कटी हुई है, और अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच इस स्टेज में हम डालेंगे नमक। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच, क्योंकि हमने हरा मिर्च डाला है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। अगर आप हरा मिर्च नहीं डाल रहे तो आप 1 चम्मच कर सकते हैं छोटा वाला। तो इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, सब्जियां हमारी 50% तक कुक हो गई हैं, और मैं इसमें चाट मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ, बहुत ही लिमिटेड मसालों के साथ बना रही हूँ, क्योंकि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। आपको मसाले का ओवरडोज नहीं खाना चाहिए, तो कम से कम मसाले में आप अच्छी से अच्छी चीज बना सकते हैं, जो आपको मैं बताऊंगी अभी आगे चल के। तो ये देखिए, सारी सब्जी अच्छे से भुन गई है, पानी खत्म हो चुका है। इस स्टेज तक हमें सब्जियों को भूनना था, यानी 50% तक। अब हम इसको गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद ठंडा कर लेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक ये ठंडी हो रही है, हम इसे 1 बर्तन में निकाल देते हैं और एक अमेजिंग सी चटनी आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो इस नाश्ते के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, चटनी बनाने के लिए हमने क्या लिया है, मूंगफली। तो मूंगफली हमने ली है
एक चम्मच बड़ा वाला, अगर आपका छोटा वाला चम्मच है तो आपको 2 चम्मच लग जाएगी। और ये मूंगफली हमारी वेट में 10 ग्राम है और ये कच्ची मूंगफली है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कलियां लहसुन की, बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 3 कलियां लहसुन की डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा 1.5 इंच का। और अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे एक इम्पोर्टेंट, 1 खड़ी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ और हमने थोड़ी सी धनिया, साबुत धनिया को दोनों को मिला लिया, ये हम डाल देंगे। और इसको हम धीमी धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा तेज आंच पे नहीं। तो देखिए मूंगफली जब चट्टे चट्टे करने लगे तो समझ जाइए आपकी मूंगफली अच्छे से भुन गई है। और जब ये अच्छे से भुन जाएगी तब तक हमें वेट करना है। अब ये भुन गई है तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे, तो फ्रेंड वो है नारियल, सूखा नारियल। अगर आपके पास फ्रेश नारियल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैं सूखा डाल रही हूँ और ये लच्छे वाला नारियल 1 चम्मच। और इसको डालने के बाद हमें इसको इस तरह से हल्का हल्का सा चलाना है। ये हम गैस को बंद करने के बाद इसलिए डालेंगे क्योंकि नारियल के लच्छे को जलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो जो इसकी पैन की हीट होगी उसी से ये अच्छे से हो जाएंगे। तो इसे हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है, अगर काला कर लेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस हमें इसको गर्म करना है ताकि पीसने में अच्छे से स्मूथ से पिस जाए। तो ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाकर खाएंगे, ये मेरा दावा है। तो ये देखिए भुन गया, अब इसे हम ठंडा करने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे, पहले ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये ठंडा हो चुका है तो मैंने एक छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है। अब इस मिश्रण को हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे सारा का सारा। तो ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें 4 चम्मच पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि ये पिस जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे, जो बिल्कुल भी दानेदार नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करना है। तो चलिए इसे पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है, अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ, फिर इसके बाद आगे का काम करेंगे। इस चटनी को अभी हम और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे तड़का मार के। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने चटनी को निकाल लिया, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा लेकिन तड़का मारने से ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो थोड़ा सा तड़का मारने से अगर चीज़ अच्छी लग सकती है तो मारना जरूर चाहिए। चलिए बहुत स्पेशल सा तड़का मारते हैं इसके ऊपर, चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गया गैस की तरफ और पैन रख दिया है, अब इसमें हम डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे और इसे अच्छे से हीट कर लेंगे और बहुत ही कम चीज़ों से तड़का बनाएंगे। तो जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच सरसों के बीज यानी राई डाल देंगे। जैसे ही राई इस तरह से उछलने लगे आप पीछे हट जाइए, और इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग और राई का तड़का हमने लगा दिया, चलिए हम चटनी के ऊपर डालते हैं। तो इस तड़के के बाद इस चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये देखिए मैंने मार लिया है, और तड़का मारने के बाद चटनी का फाइनल लुक देख लीजिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। मुँह में पानी आ रहा होगा आप लोगों के, तो ज़रूर ये चटनी को बनाइए। ये चटनी हफ्ते भर भी ख़राब नहीं होती और इसमें नारियल और जो मूंगफली का टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है। तो देखिए बहुत ही अमेजिंग सी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, अब चलिए हम आगे का काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए सब्जी हमारी ठंडी हो चुकी है, हम इसे छू पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब आइए पोहे को चेक कर लेते हैं जो हमने भीगने के लिए रखा। तो फ्रेंड ये देखिए 5 मिनट हो चुका है, पोहे ने सारा पानी ऑब्जर्व कर लिया है, इसीलिए मैंने बोला था ज़्यादा पानी मत डालिए, जितना पानी आप डालेंगे उतना ही पोहा ऑब्जर्व कर लेता है। अब इसके बाद हम जो वेजिटेबल लिए थे वो हम सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये काम आपको ठंडा होने के बाद ही करना है। अगर आप गर्म गर्म में करेंगे तो पोहा पानी और छोड़ देगा, फिर आप इस नाश्ते को नहीं बना पाएंगे। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे, तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं, और इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इस पर ऑयल डालेंगे 1 चम्मच तक, और इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मिला लेना है, सब्जी और पोहा आपस में एकदम मिल जाए, तो ये काम आपको अच्छे से करना है तभी टेस्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से जब पोहा फूल जाता है तो इसका एक भरता टाइप में बन जाता है। अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, अगर आपके पास वो ना हो तो आप क्या डाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वो चीज़ लेके आते हैं फिर आपको डाल के दिखाते हैं। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी यानी वेट ने 50 ग्राम है चावल काटा है। अगर आपके पास चावल काटा ना हो तो आप इसमें क्या डाल सकते हैं, सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं, मैदा डाल सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं। तो ये 1 कटोरी है नाप में, वेट ने बताऊं तो 50 ग्राम है। और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया का। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। तो मैं आपको बताना भूल गई थी, जब चटनी मैं बनाने गई थी तो उस स्टेज पे मैंने पीसते समय नमक डाल दिया था, तो आप लोग ये मत सोचिएगा क्योंकि मैंने चटनी में नमक नहीं डाला, मैंने नमक डाला है जब मैं पीसने जा रही थी तभी मैंने थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड 1 कप पानी ऐड कर देंगे,
और इसका हम एक बैटर बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम अच्छे से मिलाते हुए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे पहले एक कप, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर कितना पानी लगेगा। एक साथ पानी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो लम्स पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम डालेंगे। अब इसके बाद एक कप पानी और डाल देंगे, काफ़ी ठीक लग रहा है। तो लमसम दो कप पानी इसके अंदर गया है। अब इसका हम खूब अच्छे से बैटर बना लेंगे फेंटते हुए, और बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से एक डायरेक्शन में आराम से इसको घुमाते जाइए, और बिल्कुल लम्स फ्री आपका बैटर होना चाहिए। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफी बनेगा क्योंकि इसमें पोहा पड़ा है। अगर आप पोहे के साथ नहीं बना रहे तो आपको इसके अंदर दही डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से रनी हमारा होना चाहिए, जब हम गिराए तो एकदम से नहीं गिरना चाहिए, चम्मच पे लग कर थोड़ी देर बाद गिरना चाहिए। तो ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसे हम 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद हम नाश्ता बनाएंगे। तो 2 मिनट हम कवर करके रख देते हैं, 2 मिनट बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, ये अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। देख लीजिए हमारा बैटर अच्छे से फूल गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक पैन रख दिया, आप तावा भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से हीट करने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे। पैन हमारा हीट हो गया, अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल के अच्छे से फैला लेंगे। तो इस तरह से हम पूरे पैन में तेल को फैला लेंगे, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो इजिली छूट जाए। और बनाने से पहले हम इसे मिक्स करेंगे। तो मैंने ये बड़ा वाला करछी डाल लिया है, ताकि आसानी से बन जाए। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी चम्मच से बना सकते हैं, कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले ये अच्छे से गर्म होने के बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, सॉरी धीमा कर देंगे, बंद नहीं करेंगे। और अब बनाने से पहले हमने एक बार अच्छे से पूरा को मिला लिया है, और फिर इस तरह से लेकर हाथों को बैलेंस करते हुए और इसे पकने देना है। तो इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा ना मोटा बनाया ना बहुत ज़्यादा पतला। अब इसे हम 2 मिनट तक पकने देंगे। आप चाहे तो इसे कवर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्रिस्पी और क्रंची चाहिए, तो इसलिए मैं इसे कवर नहीं करूँगी। धीमी धीमी आज से 2 मिनट पकने के बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो देखिए इस तरह से बबल पड़ने लगते हैं, ताकि ये पता चल जाता है कि पकना शुरू हो चुका है। अब 2 मिनट हम धीमी धीमी आँच पे पकने देंगे, फिर उसके बाद चेंज करेंगे इसकी साइड को। कैसे चेंज करना है बहुत ही आसान टिप दूंगी, तो आप उसे जरूर फॉलो करना, तो कभी भी आपका नाश्ता टूटेगा नहीं। तो फ्रेंड 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, धीमी धीमी आँच पे मैंने इसे पकाया है 2 मिनट। अब हम एक प्लेट ले लेंगे, और प्लेट के ऊपर हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे बहुत ही आसान से। अब हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसको ग्रीस करेंगे। तो आधा चम्मच तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं, और इसको हम तावे पे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से पूरे पैन में, ताकि ये दूसरे साइड से भी बिल्कुल सेम पहले की तरह कुरकुरा बने। तो चलिए अब हम प्लेट को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा कर देंगे, और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और दूसरे साइड से भी हम डन कर लेंगे। तो प्लेट से जब आप इसे टर्न करते हैं तो कभी भी ये टूटेगा नहीं, और कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो धीमी धीमी आज हम दूसरे साइड से इसको खोलते रहेंगे इसे 2 मिनट। तो मुश्किल से इसे बनने में 4 मिनट लगता है। देखिए कितना करारा और क्रिस्पी बनना है। अब इसे हम धीमे धीमे से पकने देते हैं बिना कवर किए हुए। तो फ्रेंड ये दूसरे साइड से भी डन हो गया है। अब इसे हम अपने प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट, कितना अच्छा लग रहा है इसका लुक, और खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। तो दूसरा वाला बनाने के लिए हमें पैन को थोड़ा सा तेल डाल के ग्रीस करना है, लमसम 2 बूंद, और इसे फैला लेना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और फिर से हम सेम पहले वाले की तरह इसे बनाएंगे। तो बनाने से पहले हम अच्छे से फेंट लेंगे, फिर हाथों को बैलेंस करते हुए हम इस तरह से डालेंगे 1.5 चम्मच, और इसको हम इस तरह से फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। तो सेम पहले वाले की तरह हम इसे भी बना लेते हैं, फिर लास्ट में आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसे हमने पोहा से बनाया है। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा फ्लफी बना है। और इसकी खासियत ये है कि आप इसे बच्चों के लंच में, टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, और इस चटनी के साथ ओए होए क्या कहने हैं। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करना, और अगर आपको चटनी की रेसिपी नहीं अच्छी लगी तब भी कमेंट करना, मुझे बताना कि आपको कैसी रेसिपी पसंद है चटनी की, मैं वही आपके लिए बनाऊंगी। तो इसे आप इस चटनी के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनाई है मैंने, और आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं बिना फ्रिज के, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी क्योंकि हमने तड़का मार दिया है। और ये देखिए नाश्ते का फाइनल लुक, सब्जियों से भरपूर हमारा टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, जिसे आप बच्चों के टिफिन में देने के साथ साथ पति के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। ऊपर से करारा है, क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, जूसी है, और आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो ऐड कर लीजिएगा, जो आपको ना पसंद हो आप उसे हटा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए, खाइए, बाय, टेक केयर।